सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार। आप देख रहे हैं, आज हम हैं हमारे मक्का के खेत में। 3 जुलाई 2023 की इसकी बोनी है और आज 5 अगस्त 2023 है और ये लगभग 32 दिन की ये पूरी मक्का हो चुकी है और यहाँ पर ये लगभग 35 बीघा में ये मक्का लगी हुई है और इस खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ वो लगभग 8 बीघा का खेत है और ये 8 बीघा के पूरे खेत में कुछ तरीके से 32 दिन की मक्का हो चुकी है और लगभग 3 फीट 3.5 फीट की इसकी हाइट आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कुछ तरीके से ये मक्का है, काफ़ी बढ़िया बड़बार ये ले चुकी है और इस समय 30 से 32 दिन के आसपास मक्का अच्छी 3 फीट के लगभग बड़बार आराम से ले लेती है। सिंजेंटा कंपनी की NK 7328 ये वैरायटी है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बढ़िया इसके वजनदार और लंबे भुट्टे आते हैं। तो ये पूरे खेत में एक समान एक जैसी पूरी मक्का है और इसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया जा चुका है। तो हर्बिसाइड हमने इसमें डाली थी उर्मी करके दवा जो आती है खरपतवार नाशक, वो दवा का इसमें स्प्रे किया गया है और कुछ खेतों में टोरी नाम से जो दवा आती है उसका भी स्प्रे किया था और ये उर्मी हर्बिसाइड का इस्तेमाल इसमें किया था। तो कुछ तरीके से इसका रिजल्ट है, छोटे छोटे पौधे जो जिस जिस जगह पर ज़्यादा गैप है वहाँ जैसे धूप जाती है तो वहाँ पर ये दोबारा उगना शुरू हो गया है और चूंकि अब 1 महीने का समय हो गया है तो कचरा इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो ये मक्का की छाँव के कारण छोटा ही रह जाएगा और ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हर्बिसाइड से या कचरे से कोई समस्या नहीं है और हर्बिसाइड ने बहुत शानदार इसमें काम किया था, एक भी खरपतवार इसमें नहीं बचा था। जितना भी खरपतवार इसमें बाद में निकला है वो कचरा ख़त्म होने के बाद ये दोबारा निकला है। तो कुछ तरीके से पूरे खेत में शानदार मक्का है। सिंजेंटा कंपनी की NK 7328 करके ये जो बीज आता है वो ये बीज है और किसी किसी जगह पर 3 फीट हाइट और कुछ नीची जगहों में लगभग जहाँ पानी भरता है वहाँ पर थोड़ी सी कम हाइट है, बाकी बहुत ज़ोरदार शानदार ये मक्का है। और पिछले वर्ष भी इस खेत में मक्का थी और लगभग 12.5 क्विंटल प्रति बीघा का इसका एवरेज आया था। तो मक्का की खेती बढ़िया खेती है क्योंकि एवरेज अच्छा आता है मक्का का, चूँकि रेट कम रहता है लगभग 2000-2500 के लगभग इसका रेट रहता है, लेकिन किसी किसी बार भी जिस वर्ष मक्का का ज़्यादा उत्पादन होता है तो उस साल रेट डाउन भी जाता है, लगभग 1200-1300 जो गीली मक्का होती है उसका रेट कम रहता है, लेकिन फिर भी लागत कम होने के कारण एवरेज अच्छा आता है। मक्का में चूँकि एक हर्बिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है और दूसरा स्प्रे इसमें सिर्फ एक बार इंसेक्टिसाइड का कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही बाल आने के बाद इसमें भुट्टा लगेगा तो भुट्टे पर इल्ली आती है जो भुट्टे को नुकसान करती है, तो उस समय इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी है। तो किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि प्रोफोनफॉस, लैम्डा प्लस, साइपल मैथ्रिन, 3-4 जो केमिकल प्रचलित हैं काफ़ी सालों से उनका स्प्रे कर सकते हैं और बढ़िया रिजल्ट एक बार के इंसेक्टिसाइड में इसमें आता है, इल्ली काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और सही मौसम खुला मौसम रहता है, धूप निकलती है तो पूरी तरीके से 100% इल्ली कंट्रोल हो जाती है। तो ये था अपना सिंजेंटा NK 7328 का खेत। तो 3-4 वैरायटी हमारे पास मक्का की लगी हैं, उनमें ये इस खेत में लगी है सिंजेंटा NK 7328। तो अभी 32 दिन की अवस्था में बहुत बढ़िया हाइट इसकी है, लगभग 3 फीट से ऊपर 3.5 फीट के लगभग इसकी हाइट है और काफ़ी अच्छा डार्क कलर है क्योंकि इसमें डार्क कलर तो शुरू से ही था लेकिन अभी
8 से 10 दिन पहले इसमें यूरिया डाला गया है, तो और भी अच्छी बढ़वार जल्दी हुई है और कलर शानदार हो गया है। तो उम्मीद है कि इस बार अच्छा उत्पादन मक्का का आएगा, क्योंकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, कम मात्रा में बारिश है, तो ये मक्का और सोयाबीन के लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली बारिश है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। राम राम।